हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय चैनल विद अनुलेखा। आज मैं बनाने जा रही हूँ नारियल की चटनी। तो चलते हैं हम अपने किचन पे। ये मैं आ गई अपने किचन पे। मैंने एक लिया है पैन, अब मैंने इसमें ऑयल ऐड कर दिया है फ्रेंड्स। ये देखिए, ये ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें डालूँगी चॉप्ड किए हुए कोकोनट। यहाँ पर मैंने एक कोकोनट लिया है, उसे छील कर मैंने बारीक काट लिया है। तो ये मैंने, अब मैं ऐड करूँगी इसमें चिल्ली। ये मैंने चिल्ली ऐड कर दिया है फ्रेंड्स, ये देखिए। अब मैं इसे भी अच्छे से सॉटे करूँगी। और अब मैं ऐड करूँगी इसमें हमारे जिंजर मींस अदरक। अदरक को मैंने छोटा सा पीस लिया है, उसे चार भागों में काट लिया है छील के। ये मैंने ऐड कर दिया है अपना जिंजर। इसके बाद मैं ऐड करूँगी इसमें हमारे जो खड़ी चने की होती है ना, जो रोस्टेड वाले, वो मैंने ऐड किया है। 3 चम्मच करीब मैंने ले लिया है चने फुटाने, हम जिसे बोलते हैं, वो मैं इसमें ऐड करूँगी। अब मैं इसमें ऐड करूँगी फ्रेंड्स इमली, जो मैंने भिगो के रखा है। इसमें मैं दो चम्मच इमली के पल ऐड कर दूँगी ये, और इसे मैं भी अच्छे से चला लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हो चुका है मेरा। अब मैं इसे ठंडा होने दूँगी। अब मैं इसमें ऐड करूँगी फ्रेंड्स नमक। ये मैंने नमक ऐड कर दिया है। और अब पानी ऐड करके मैं इसे एक पेस्ट बना लूँगी। यहाँ मैंने दूसरा एक पैन ले लिया फ्रेंड्स। अब इस पैन में मैंने ऑयल रख लिया है। अब इस ऑयल में मैं, ये मेरा ऑयल गरम हो चुका है। अब ऑयल में मैं अपने डालूँगी मस्टर्ड सीड्स मींस राई के दाने 1 चम्मच। ये देखिए मेरे राई के दाने अब फूटने लगे हैं, मींस हो गए हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी फ्रेंड्स हींग। हींग मैं हर किसी में ऐड करती हूँ थोड़ा सा फ्रेंड्स, अच्छा होता है जो डाइजेशन के लिए। अब मैं इसमें ऐड करूँगी खड़ी लाल मिर्च। 4 से 5 मैंने खड़ी लाल मिर्च ले ली है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी हमारे जो मीठी नीम के पत्ते होते हैं ना, हाँ, जो चटनी में बहुत मेन होते हैं, वो मैंने ऐड कर दिया है। ये देखिए, ये हो गए हमारे अच्छे से। ये देखिए आवाज़ भी आ रही है इसमें से फूटने की। अब ये हो चुके हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी हमारे जो मैंने नारियल का पेस्ट तैयार करके रखा था, वो रेडी पेस्ट मैं इसमें डाल दूंगी पेन में। अब ये देखिए, और मैं इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी फ्रेंड। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरी नारियल की चटनी रेडी है। ये देखिए, अब इसे आप ठंडा होने दीजिए थोड़ी देर के बाद। और अब हम, मैं इसे एक बर्तन पे निकाल लूंगी। ये देखिए मेरी नारियल की चटनी रेडी है फ्रेंड्स। अब इसे आप डोसे से खाइए, चपाती से खाइए। ओके फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स ज़रूर करिएगा।